तो KTM वाला भी बहुत ही मोटा शाना मंड रहा था। उसको मैंने बोला हेलमेट लगाने भाई, बंदी जो बैठाई थी पीछे ना, टॉर जो मारनी थी, अभी पुलिस वालों के सामने से भाग के गया। पुलिस वाला नंबर तो नोट कर लिया होगा उसका, चलान तो पहुंच जाएगा उस तक। तो हम आ चुके हैं जिम में, ये नहीं, ये जिम में हम, ये तो थोड़ा नज़ारा है बाहर का। जिम में वर्कआउट करने के लिए आ गई है छिपकली, छिपकली भी वर्कआउट करेगी। छिपकली इंटेंस वर्कआउट करो, कहाँ भाग रही हैं आप, स्प्रिंट लगा रही है छिपकली यहाँ पे। हमारा वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट और बच चुके हैं 7, तो अभी तक सिर्फ हम 2 ही जन आए हैं, बाकी कोई नहीं आया आज। पता नहीं क्यों क्यों नहीं आया आज कोई। एकदम गर्म था और जिम के बाहर आते एकदम ठंडी ठंडी हवा, बहुत ठंडी ठंडी हवा है बाहर, तो मतलब साथ में भी ठंडी ठंडी हवा है। गर्मियों के मौसम में अप्रैल जल पड़ा है। सुप्रभात बाब लोग, कैसे हैं आप सभी, वो भी सब अच्छे होंगे जो ब्लॉग को देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कणक की जो फसल है वो पक चुकी है और उसका कटाई का समय आ चुका है अब, तो बस तो उसकी जो लिए हम दराटियाँ जो वो थोड़े से उनकी धार कम हो गई है, तो उनको धार को पैनी कराने के लिए जा रहे हैं लोहार के पास। जो लोहार के घर पर हमारे शिवपुरी के पास है, मतलब गाँव के मकान हाड़ा रास्ता इधर से हमको ग्रटी से, बस वहीं वहीं पास में उनके घर है। बस अभी उधर ही जा रहा हूँ, अभी रश ना उनके पास कहीं देखते हैं जाके और दिखाते हैं आपको, क्योंकि वो बहुत पुराने लोहार हैं, मतलब राजाओं के टाइम से, मतलब इतने पुराने लोहार हैं वो, तो कुछ तैनी काम चला हुआ है उनका। जाते हैं धार करते हैं तेज दराटियों की ताकि फसल की कटाई कर सकें। फिर उद्धार करवा चुके हैं डेटियों की हम पैनी, अब जाएंगे फसल की कटाई के लिए। तो कनक की कटाई के लिए चल पड़े हैं खेत में। तो हम आ चुके हैं अपने खेत में कनक की बुढ़ाई के लिए, ये पक चुकी है कनक, तो बस करते हैं अब कटाई। तो अभी तक हो चुकी है आधे खेत की फसल की कटाई, अभी हम जाएंगे घर और नहा धो के आएंगे, खाना खुना खा के थोड़ा दोपहर जैसे हम आएंगे, फिर करते पूरा खेत ख़त्म काट के फसल। वैसे भी धूप का प्रकोप काफ़ी हो चुका है, तो 10 बज चुके हैं, 10 बजे बहुत धूप है।
तो अभी नहाने के बाद, खाना खाने के बाद जान में जाना है थोड़ी सी, क्योंकि वर्कआउट है, वर्कआउट किया था उसके बाद से चला कि अब खेत में, फिर खेत में जाके धूप भी थी, धूप 10 बजे अभी हम आए तो धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो अभी थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और जैसे अभी थोड़ा धूप कम होगी ऐसे 4 बजे तक फिर से निकल जाएंगे फसल की कटाई के लिए। और दोपहर के 5 बज चुके हैं और चले हम फिर से खेत में, जो थोड़ा बहुत आधा खेत रह गया ना काटने को, उसकी कटाई के लिए। देखते हैं कितनी देर में होता है, वैसे 7:30 बजे तक तो शायद हो ही जाए, तो करते हैं ख़त्म जाके। तो कणक के खेत की कर दी है पूरी कटाई, तो हम चले घर की तरफ और उसके बाद चलेंगे पुल पे, क्योंकि पीयूष बोल रहा है कि वो बस पुल पे पहुंचने वाला है, बाबा आ जाओ। और हेमंत भी हॉस्पिटल लग गया है, वो भी आ रहा होगा, तो बस चलते हैं। अभी खेत से चलाऊँ तो कम से कम 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा पुल तक, घर तो बस 5 मिनट की दूरी पे है। तो यहाँ हो रहे हैं चलान ही चलान, जो हेलमेट बिना हेलमेट और बिना मास्क के घूम रहे हैं कोर्ट चौक पे, चलान आपको पता है मुमन होते ही रहते हैं, वैसे ही हो रहे हैं चलान। तो भी हमारे सामने पुलिस वाले लड़के का भी चलान हुआ, अपने बापू का नाम लेने के वजह से भी वो छूटा नहीं। अब चलान तो भाई होना था, बाद में नाम लेगा तो फिर क्या ही होगा, चलान तो कट चुका था। तो KTM वाला भी बहुत ही मोटा शाना मंड रहा था, उसको मैंने बोला हेलमेट लगाने भाई, बंदी जो बैठाई थी पीछे ना टॉर जो मारनी थी, अभी पुलिस वालों के सामने से भाग गया। पुलिस वाला नंबर तो नोट कर लिया होगा उसका, चलान तो पहुंच जाएगा उस तक। तफरी मारने को मना नहीं है, तफरी मारो लेकिन हेलमेट पहन लो, बिल्कुल हेलमेट और मास्क यार जब बोल रहा हो पहन लो, क्या टॉर मार रहे भी फालतू की, बड़बड़ी गर्मी है ऐसे। वैसे आज कोठी चौक पर चलान की बौछार हो रही है, जो भी आ जा रहा है पिछले बंदे को या फिर हेलमेट नहीं पहनाया है या फिर किसी ने मास्क नहीं पहना है। इसलिए हेलमेट तो बाइक वालों को भाई बहुत ज़रूरी है, मास्क हो ना हेलमेट तो पहन लो और पिछले वाले को पहना लो भाई, ऐसे नहीं कि अभी तफरी। पीयूष का फोन आया, और पीयूष यार हमेशा के बार रेट होता है, अभी सोया हुआ भी उठा, मैं लगा यार 7 बज गया अब तोड़ जा है ना, आ रहे हम जॉब पे। पहले हमने सोचा कि गौतम की रेडी के पास जाके गन्ने का जूस पिए, लेकिन गौतम तब तक जा चुका था, हम 7 बजे इस पर चलाता है गौतम एक को ना, मैं लग रहा दिन रिच बॉय तो, लेकिन अभी दिल नहीं ढला, दिन बड़ा दिन नहीं ढला था, अभी उससे पहले ही निकल गया वो, तो कोई नहीं मैं हरे मैचों की दुकान की बिक्री करा दी 20 रुपये के, 40 रुपये के मतलब दो है ना, 2 रुपये गावा। तो आपको अभी कुछ दिखाते हैं कि पुल के नीचे किस तरह से युवा स्कूटी सीख रहे हैं, सिखाते हैं आपको, छोटे बच्चे अंडरेज हैं अभी 18 साल के, तो क्या ये तो 15 साल के मनी है, दूध पीते बच्चे हैं, दूध धान टूटे अभी इनके, एक गिर के टूटेंगे सड़क पर गिरेंगे ये, दो डंडे मारेगी और पुलिस वाले जाते हैं चौक में चलान काट रहे हैं, नीचे जाके काटो नहीं कह रहा बैठे मौज कर दी, बैठे तुमने तो मौज कर दी, स्कूटी रोक रहे हैं पैरों से, स्कूटियां रोकी जा रही हैं, ब्रेक ओ, ओ, ओ चला 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 ओ, 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 ओ भाई साहब स्कूटी चढ़ा के सर है भाई, 1 लीटर दे ले वो गया नहीं 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 ठीक है ठीक चला ठीक चला हमारा, इनकी मम्मियों को बुलाओ कोई दो गस्से लगवाओ सर, आंटी आ गई डंडा लेके दे ऊपर है, आंटी आ रही, आंटी बोली चल घर का भागो बेटा। लेट लतीफ इंसान पीयूष जी आ चुके हैं, पुलिस से को डर लगता है, बिना मास्क के आने वाले हैं पीयूष, इन्हें को डर लगता, इन्हें मौत से डर लगता, सर पे कफन बांधने वाले पीयूष। तो सामने वाली पहाड़ी पे लग चुकी है आग, लोगों ने लगाई है आग, लापरवाही का नतीजा ये पूरे पहाड़ पे फैलेगी। लोग पता नहीं अक्सर ऐसा क्यों करते हैं कि आग लगा के छोड़ देते हैं, अपने खेतों में आग लगाते हैं, इसमें पूरे जंगल में आग लग जाती है, ऐसे आप बंद लगी पहाड़ियों में देखते हैं काफ़ी आग लगी होती है, फिर फायर ब्रिगेड वालों को भी काफ़ी दिक्कत होती है आग बुझाने में, जिसके वहाँ के जीव जंतु हैं फिर बेचारे उनको जल जाते होने काफ़ी चीज़ें, तो इतना अच्छा नहीं है ये, ठीक चीज़ नहीं है, जब जलाना है तो अपने खेत खूत में जलाएं, आग इतनी फैलाएं मत कि हर जगह फैल जाए, तो सूखा का आजकल गर्मियों का मौसम आ चुका है, तो ये क्यों सुनो भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कृष्णा भाई, लोग नहीं समझते ना वही बात है, उन्होंने लगानी अपने खेत की तरफ के सोचना, उन्होंने कि कचरा है इसको फूंक दें, तो उसको जलाने के चक्कर में हर जगह आग फैल जाती, फिर जंगल के जीव जंतु हैं बेचारे वो मासूम, उनका क्या कसूर है, वो भी जल के राख हो जाते हैं। तो ब्लॉग का करते हैं यहीं पे अंत, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।